नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष खगरेश ने चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए दलित मतदानों को साधने के लिए मैदान में उतर गए। आने वाले दिनों में इन राज्यों में चुनावी सभाएं करेंगे और राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर चुनावी रणनीति की तैयारी करेंगे। हाल ही में संसद सत्र खत्म होने के बाद खड़गे छत्तीसगढ़ में जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना यह है कि अध्यक्ष 18 अगस्त को तेलंगाना, 22 अगस्त को मध्य प्रदेश और 23 अगस्त को राजस्थान का दौरा करेंगे। वे इन राज्यों में रैलियों कर चुनावी अभियान कर शुरू करेंगे। 13 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में आयोजित भरोसा का सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। ये उनका दूसरा दौरा था। इससे पहले वह फरवरी पार्टी के अभिदेशन शामिल में होने रायपुर पहुंचे थे। दरअसल खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ अपने पार्टी के बड़े दलित के चेहरे है, इसलिए कांग्रेस उन्हें सारे चुनावी राज्यों में दलित मतदानों के साधने में लगी हुई है। इन्हीं समीकरण में ध्यान रखते हुए पार्टी दलित बहु क्षेत्र में उनकी रैली आयोजित करा रही है। छत्तीसगढ़ में खड़गे की रैली जांजगीर चांपा जिले में हुई थी। इस जिले में ज्यादातर सीटें अनुसूचित जाति की आरक्षित है। यहां भाजपा के साथ साथ बहुजन पार्टी का भी प्रभाव है। बहुजन समाज पार्टी के काशीराम ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भी यहीं से लड़ा था।